और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर इंदौर जिले के देपालपुर जनपद में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। लोगों को इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा की जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस तक यहां नहीं पहुंच पाती है। लोगों को गंदगी और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई दफा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। सारे विकास के दावे कागजों में ही नजर आते हैं, धरातल पर नतीजा कुछ और ही नजर आता है। लोगों को कई बार आवेदन करने के बावजूद भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। लोगों का नाम आवास योजना की सूची में तो आता है, सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर अधिकारी सुनते नहीं है। अधिकारियों ने सांसद विधायक को अंधेरे में रखते हुए बिना प्रचार प्रसार के ग्राम पंचायत रंगबासा में पीएम आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम गुपचुप तरीके से करवा दिया है। थारो बनेले हम थारे देवाड़ दा तुम्हारे भी बने दी दो मारे भी नहीं देवाड़ियो। आज तक ने मैं तो शिकायत भी करी, कुमा देपालपुर भी गई ने बिना पक्को मकान ने सब ने लिस्ट में नाम ने मारो लिस्ट में नाम ने पूरा मोहल्ला वाला लिस्ट में नाम ने मारो एक दिन है और कई समस्या तक बस ये आज मकान खातर ही रोई ने गरीबी रेखा को पिन नहीं कोई सुने थे क्या ना सरपंच से बात हुई थी पंचायत गया था 10 साल में बात करी जो सरपंच से बात करो तो कोई समस्या को समाधान नहीं हुआ। कितना बदले गया सरपंच ओपन ओपन भी नहीं बन पायो भाई कोई न पेंशन मिले ना पेंशन।